टुडे वी स्टार्ट द अपोजल एस्पेक्ट ऑफ द मेंटिकुलर सेकेंड प्रिमर। आवाज आ रही है आप लोगों को? टेस्ट कैसा हुआ आपका? मॉर्फोलॉजी में आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी टेस्ट में? यस बताएं। टेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको मॉर्फोलॉजी सेक्शन में? अच्छा, कुछ जो मुझे फीडबैक मिला है कि आप लोगों को स्पेक्स जो हैं वो उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें आप लोगों से समटाइम्स मैं यही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो स्पेक्ट्स में आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है? जैसे अगर आप बकल स्पेक्ट है, बकल जैसे आप प्रीमोलिस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बकल स्पेक्ट में आपने आपको आ जाता है कि बकल स्पेक्ट ड्रॉ एंड लेबल, तो आप बकल स्पेक्ट में आप क्या ड्रॉ एंड लेबल करेंगे? ठीक है, उसमें आपकी आ जाता है सर्वाइकल रिच आ जाती है, बकल रिच आ जाती है, ठीक है, आपके पेरेंटल डिप्रेशन आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपने हर एस्पेक्ट को जब डिफाइन करना होता है तो उसमें हर एस्पेक्ट में आपने फोर चीज़ें बतानी होती हैं। नंबर वन इज द सर्वाइकल आउटलाइन, मीजियल आउटलाइन, डिस्टल आउटलाइन एंड ऑक्लूजल आउटलाइन, अगर आप बकल एस्पेक्ट डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, अगर मीजियल एस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप बकल आउटलाइन डिफाइन करोगे कि बकल आउटलाइन कैसी है, डिस्टल आउटलाइन कैसी है, ऑक्लूजल आउटलाइन क्या है, सर्वाइकल आउटलाइन। ओके, ओके, नाउ वी स्टार्ट द ऑक्लूजल एस्पेक्ट ऑफ द मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर। जनरल कंसिडरेशंस, द जनरल शेप ऑफ द क्राउन फ्रॉम दिस एस्पेक्ट इज मोर नियरली स्क्वेयर, स्पेशली इन थ्री कस्प टाइप। आपको मैंने बताया था कि जो आपका ऑक्लूजल टेबल है इस पे थ्री टाइप्स के आपके ग्रूव पैटर्न होते हैं, वाई, यू एंड एच, ठीक है। और जब आप ऑक्लूजल एस्पेक्ट देखेंगे तो इसकी शेप कैसी होगी? स्क्वेयर होगी, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू द फर्स्ट प्रीमोलर। द कन्वर्जन ऑफ द मीजियल एंड डिस्टल सर्फेसिस टूवर्ड्स द लिंगुअल इज नॉट रियली टू स्क्वेयर। जनरल ग्रूव पैटर्न, क्योंकि आपकी जो मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर है इसमें थ्री टाइप्स के ग्रूव पैटर्न होते हैं, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस आता है कि ड्रॉ एंड लेबल द मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर ऑक्लूजल टेबल, ठीक है, तो उसमें आपने जब ऑक्लूजल टेबल ड्रॉ करना है तो उसमें आपने वाई, यू और एच ग्रूव पैटर्न ड्रॉ करना है। The occlusal groove pattern is responsible for the names of the second premolar types. For example, the main groove pattern on the three cusp type takes the form of Y and it is thus namely Y type. The main groove pattern on the two cusp type resembles URH, resulting in U type and H type second premolars. Okay? इसमें थ्री टाइप्स के पैटर्न होंगे, ग्रुप पैटर्न, जिसमें वाई पैटर्न होगा उसमें क्या होगा, थ्री कस्प प्रेजेंट होंगे, और जो यू और एच है वो आपके मैंडिबुलर सेकंड फर्स्ट प्रीमोलर की सेम उसी तरीके से होंगे, उसमें आपका बकल कस्प एंड लिंगुअल कस्प प्रेजेंट होगा। और जो वाई है उसमें क्या होगा, आपके बकल कस्प होगा और टू लिंगुअल कस्प होंगे। The Y type is the most common form of the mandibular second premolar.
and is present in the majority of cases. The two cusp types are less often seen, with the H type specimens more common than U type. ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या है, Y pattern है, सेकंड पे क्या है, H, और थर्ड पे क्या है आपका U. H सॉरी आपका जो है लेस है, और U जो है वो सेकंड नंबर पर है, और H जो है वो आपका थर्ड नंबर पर है. थ्री कस्ट टाइप, ठीक है, वाई टाइप जब पैटर्न होगा तो उसमें क्या होगा, जनरल अक्लूजल फॉर्म. द आउटलाइन ऑफ द वाई टाइप फ्रॉम द अक्लूजल स्पेक्ट इज रफली स्क्वेयर लिंगुअल टू द बकल लाइन एंगल्स विच आर क्वाइट डिस्टिंक्ट. ऑन एन ओकेशनल स्पेसिमन द मेसियोडिस्टल डायमेंशन ऑफ द क्राउन इज इवन ग्रेटर थ्रू द लिंगुअल लाइन एंगल एरिया देन इट इज थ्रू द buccal portion. The Y pattern of the occlusal table is formed by a combination of the central and lingual grooves. ठीक है, Y pattern of the occlusal table में क्या होगा, central और lingual grooves present होंगे. The three cusp types vary in height and size from largest to the smallest. Buccal cusp क्या होगा, largest, mesolingual cusp second, and third is the distolingual cusp. इसमें Y pattern में क्या है, three cusp type होंगे, one buccal and two lingual. Lingual में कौन कौन से होंगे, mesolingual cusp and distolingual cusp. Each cusp exhibits four cusp ridges and four inclined planes, and they are named like those of other posterior teeth. The buccal cusp has four functional inclined planes, while the lingual cusp possesses two functional inclined planes each. There is no transverse ridge on the Y-type second premolar. Okay, आपके जो Y pattern है उसमें क्या, अक्लूजल टेबल पर ट्रांसवर्स रिज नॉट प्रेजेंट. फोसास, देर आर टू फोसास, मीजियल एंड डिस्टल ट्राइंगुलर फोसा. सेम आपके मिक्सिलरी प्रीमोलर्स की तरह आपके इसमें टू फोसास प्रेजेंट होंगे, मीजियल एंड डिस्टल ट्राइंगुलर फोसा. बोथ आर रिलेटिवली शैलो एंड इरेगुलर बट आर मोर लीनियर इन फॉर्म देन द ट्राइंगुलर फोसा of the maxillary premolars. They are located just inside the marginal ridges and are also bounded by two cusp ridges of each appropriate cusp. Pits and grooves, there are three pits present on the occlusal table. ठीक है, ये क्या है, Y pattern. Y pattern में क्या होगा, three pits present होंगे occlusal table पे. Normally क्या आती है, two pits present होती है, mesial pit and distal pit. ठीक है, mesial pit में क्या होगा, the mesial pit is located in the deepest portion of the mesial triangular fossa, which is about midway from buccal to lingual, just inside the mesial marginal ridges. It is a point of union of the following four primary grooves. ठीक है, जो mesial pit है इसमें कौन कौन से ग्रुप्स अटैच होंगे, नंबर वन इज द सेंट्रल ग्रुप, सेकंड इज द मेसियोलिंगुअल ट्राइंगुलर ग्रुप, मेसियोबकल ट्राइंगुलर ग्रुप एंड मेसियल मार्जिनल ग्रुप. ठीक है, फोर ग्रुप्स अटैच होंगे. सेंट्रल ग्रुप में क्या होगा, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेसियल पिट टू द डिस्टल पिट इन अ शैलो वी फॉर्म. डिस्टल पिट, the its location in the deepest depth of the distal triangular fossa is similar to that of the mesial pit, and it is also the point of union for primary grooves. ठीक है, same जैसे आपके mesial में क्या था, mesial में same आपका central groove होगा, और mesial में क्या होगा, mesiolingual triangular groove था, mesiobuccal triangular groove था, और distal marginal groove था, sorry mesial marginal groove था. इसमें क्या है, डिस्टल है, तो डिस्टल स्पेक में डिस्टल साइड पर जो डिस्टल पिट है उसमें कौन कौन से ग्रूव्स अटैच होते हैं, सेंट्रल ग्रूव,
डिस्ट्रोलिंगुअल ट्रायंगुलर ग्रूव, डिस्ट्रोबकल ट्रायंगुलर ग्रूव एंड डिस्टल मार्जिनल ग्रूव, सेंट्रल पीट। थर्ड इज द सेंट्रल पीट। नॉर्मली क्या होती है, टू पीट्स होती है, मीजियल पीट एंड डिस्टल पीट इन मेसेनरी एंड प्रीमोलर्स में, मैंडिबुलर प्रीमोलर्स में। ठीक है, जो आपका सेकंड प्रीमोलर है उसमें क्या होगा, सेंट्रल पीट। ठीक है, इसमें क्या है, थ्री पीट्स प्रेजेंट। द सेंट्रल पीट इज द डीपेस्ट ऑफ द थ्री पीट्स, इट इज लोकेटेड टुवर्ड द लिंगुअल एंड मोर देन हाफ वे फ्रॉम मेसियल टू डिस्टल, सिंस द मेसियल लिंगुअल कस्प इज वाइडर देन द डिस्टल लिंगुअल कस्प। The central pit is located along the central groove where it joins the lingual groove which itself exists the occlusal surface between the two lingual cusps. The central pit is thus the junction of two primary grooves. ठीक है, central pit में क्या है, two primary grooves attach होंगे। कौन कौन से, central groove, ठीक है, जो आपका primary है, आपका central groove, उसमें क्या होगा, सेंट्रल ग्रूव अटैच होगा और बकल ग्रूव अटैच होगा। ठीक है, यू एंड एच वाई टाइप। ठीक है, वाई टाइप अक्लूजल टेबल आपको समझ आ गया, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? Now we start the U and H types. ठीक है, two cusp types. Y क्या था, three cusp type था, और जो आपका second U और H types हैं उसमें क्या हो, two cusp type. ठीक है, आपके mandibular first premolar की तरह two जो होंगे groove pattern होंगे. Two cusp type second premolar exhibit a round, a rounded outline lingual to the buccal line angles, and the buccal line angles are themselves more rounded and less distinct than in that type. The mesial and distal surfaces may converge somewhat more towards the lingual, making the lingual portion narrow than the buccal, but the taper is never to the degree of the first premolar. The one lingual cusp is placed directly opposite the buccal cusp, and their respective triangular ridges create a transverse ridge. These teeth do not have either a lingual type groove or a central bit. The buccal cusp is larger and somewhat higher than the lingual cusp. The lingual cusps sometimes appear as an irregular convex tree rather than a distinct cusp, especially in the U type. The lingual cusp of the H type is larger and sharper than the Y type, and on both types it is offset to the mesial. Both buccal and lingual cusps have four cusp ridges and four inclined planes, which are named like the same structures on other premolars. The buccal cusp features four functional inclined planes, while the lingual cusp has two. Fossas, the two cusp type also has two fossas. ठीक है, Y type में क्या था, three fossas present. जो आपके U और H type है उसमें क्या है, आपके two fossas present है. The two cusp type also has two fossas. They are roughly circular in shape. ठीक है, ये क्या है, circular shape में होंगे, and are termed mesial and distal fossa. Both facts are different from the three cusp type. They are bounded by the transverse ridge and appropriate marginal ridges and cusp ridges. ठीक है, जो Y pattern था उसमें क्या था, transverse ridges are not present. इसमें क्या है, transverse ridges present है, marginal ridges present and cusp ridges. Pits and grooves U type, the U pattern is formed by the central groove portions of the two buccal triangular grooves
एंड द सेकेंडरी ग्रोव्स ऑफ द बकल कस्प. सेंट्रल ग्रोव एक्सटेंड्स फ्रॉम द यूएस्टाइप मेसेनपी टू द डिस्टल पी एंड इन द प्रोसेस फॉर्म्स द लोअर पोर्शन ऑफ द यू. इट कैन दस द बी कैरेक्टराइज एज अ क्रिसेंट शेप. ठीक है, इसमें क्या होगा, क्रिसेंट शेप होगा. द ओनली टू पिट्स मेसेनल एंड डिस्टल पिट्स आर द पॉइंट ऑफ यूनियन ऑफ द सेम फोर प्राइमरी ग्रोव्स. ठीक है, कौन कौन से होंगे, सेंट्रल ग्रोव्स होगा, मेसेनल ट्राइंगुलर ग्रोव, बकल ट्राइंगुलर ग्रोव एंड मेसेनल एंड डिस्टल मार्शल ग्रोव्स. पिट्स एंड ग्रोव एच टाइप. द एच टाइप पैटर्न इज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल ग्रोव, पोर्शंस ऑफ द फोर ट्राइंगुलर ग्रोव्स एंड द सेकेंडरी ग्रोव्स ऑफ द बकल एंड लिंगुअल कस्प. द सेंट्रल ग्रोव रन्स रफली इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द टू पिट्स इन कंट्रास्ट टू द क्रिसेंट शेप ऑफ द यू टाइप. पिट्स फोसा एंड ग्रोव्स आर नेम्ड एज इन द यू टाइप. ज्योमेट्रिक आउटलाइन ऑफ द ऑक्लूजल स्पैक टू कस्प टाइप में क्या शेप होगी, डायमंड शेप होगी. ठीक है, ओवल शेप. लिंगुअल कन्वर्जेंस इज शार्प, स्लाइटली लिंगुअल कन्वर्जेंस. अक्षरी कस्प टाइप में क्या होगी, आउटलाइन इज स्क्वेयर. ठीक है, टू कस्प टाइप में क्या होगा, डायमंड शेप हो सकती है, ओवल शेप होगी. ठीक है, लिंगुअल कन्वर्जेंस इज शार्प एंड स्लाइटली कन्वर्जेंस इन सेकेंड प्रीमोलर ओवल शेप. ठीक है, थ्री कस्प टाइप क्या होगी, स्क्वेयर शेप होगी. ठीक है, वाई पैटर्न किस तरीके से होगा, दिस वन ऑक्लूजल टेबल है, वाई दिस वन, वाई दिस वन, वाई इस तरीके से आप देखते हो तो आपको वाई शेप. ठीक है, वाई शेप में क्या आपको वाई शेप नजर आती है. ठीक है, और इसमें क्या है, टू कस्प है, बकल कस्प है, आपका मेसियल लिंगुअल एंड डिस्टल. एलिवेशन कौन कौन से नजर आती है, बकल ट्राइंगुलर रिज, लिंगुअल ट्राइंगुलर रिज, ट्रांसवर्स रिज. ठीक है, ये क्या है आपके मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर में. ठीक है, मैंडिबुलर क्या है, टू कस्प टाइप. ठीक है, यू और एच पे क्या है, ट्रांसवर्स रिज प्रेजेंट होगी. मीजल डिस्टल मार्जिन रिजेस. सेंट्रल ग्रोव प्रेजेंट, सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रोव यू आर एच शेप. ठीक है, यू और एच शेप में क्या होगा, सेंट्रल ग्रोव प्रेजेंट होगा. मार्जिन रिजेस एंड ट्राइंगुलर फोसास. ठीक है, इसी तरीके से इसमें आपके मीजल एंड डिस्टल ट्राइंगुलर फोसास प्रेजेंट होंगे यू और एच टाइप में. ठीक है, मीजल लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रोव प्रेजेंट होता है आपके मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में. थ्री कस्प टाइप में क्या होगा, बकल ट्राइंगुलर रिज, लिंगुअल ट्राइंगुलर रिज, मेसियल एंड डिस्टल मार्जिनल रिजेस, सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रोव वाई शेप, मेसियल एंड डिस्टल ट्राइंगुलर फोसास. ठीक है, मैंडिबुलर फाइव स्पेक्स. This is the buccal, this is the lingual, mesial, and occlusal. Okay. This is the buccal, lingual, mesial, distal, and occlusal. Three cusp type में क्या होगा? This one. ठीक है, आपका one buccal cusp होगा और आपके two mesial lingual and distal lingual cusp और edge और यू टाइप में क्या होगा, बकल एंड लिंगुअल कस्प प्रेजेंट होंगे और सेम मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर की तरह होगा. ठीक है, दिस इज द वाई पैटर्न, दिस इज द यू, आपको जो शेप नजर आ रही है, दिस इज द यू पैटर्न, दिस इज द एच पैटर्न, टू कस्प टाइप. Facial outline and surface anatomy of the crowns. Okay, this is the maxillary premolars. This is the mandibular premolars.
जिसमें मीजियल एंड डिस्टल आउटलाइंस आर नियरली 20K, ठीक है, आप इस पे देख रहे हो मैक्सिलरी में भी एंड मैंडिबुलर में। मीजियल एंड डिस्टल कस्प लोब्स आर आल्सो स्लाइटली कनके, ठीक है, आप मैक्सिलरी में भी आप देख रहे हो और मैंडिबुलर में। दिस इज द मैक्सिलरी टीथ, दिस इज द मैंडिबुलर टीथ। पोजिशन सर्वाइकल लाइन इज कन्वेक्स रूट वाइज। बकल कस्प ऑफ फोर्स आर पॉइंटेड एंड लॉन्ग फाइव्स आर शॉर्ट एंड लेस पॉइंट। डिस्टल कस्प स्लोप्स ऑफ ऑल फ्रीमोलर्स इज लॉन्गर देन द मेजर स्लोप एक्सेप्ट फोर, ठीक है। कॉन्टेक्ट एरियाज ऑफ लोअर फ्रीमोलर्स आर नियर टू ईच अदर बट स्टिल डिस्टल मोर सर्वाइकल। द सरफेस कन्वेक्स विद मैक्सिमम convexity at cervical 1/3 and buccal ridge this is the buccal ridge, this is the buccal ridge. Buccal is not well prominent in 5, ठीक है, जो आपके 4 है maxillary और mandibular 4 में उसमें क्या है prominent है, जो आपके second premolar है maxillary and mandibular उसमें इतने ज़्यादा prominent नहीं है। प्रॉक्सिमल स्पेक्स में अगर हम देखें तो ट्रेपेजॉइडल शेप है, ठीक है, और लोअर में क्या है आपकी रोम्बाइडल शेप, ठीक है। मैक्सिलरी में क्या होती है ट्रेपेजॉइडल शेप होती है और रोम्बाइडल में क्या होती है आपकी इन शेप क्या होगी रोम्बाइडल शेप होगी मैंडिबुलर प्रीमोलर्स में। ज्योमेट्रिक आउटलाइन ऑफ द क्लूजल स्पेक्ट हम देखें तो हेक्सागोनल शेप होती है, ठीक है, मैक्सिलरी में टू इक्वल बकल साइड मेजर बकल एंड डिस्टल बकल, मेजर साइड शॉर्टर एंड डिस्टल साइड मेजर इक्वल साइड शॉर्टर देन डिस्टल साइड, थिकनेस इज ग्रेटर देन विथ द क्राउन इज वाइडर बकली देन द लिंगुली, क्या है मैक्सिलरी प्रीमोलर्स में, ठीक है। सेकेंड प्रीमोलर की क्या शेप होती है ओवल शेप होती है, ठीक है, स्लाइटली टेपर फ्रॉम बकल टू लिंगुअल। मैंडिबुलर प्रीमोलर्स में क्या होती है डायमंड शेप होती है, ठीक है, लिंगुअल कन्वर्जेंस होती है, मेजर आउटलाइन स्लाइटली कन्वर्ट, डिस्टल आउटलाइन इज मोर कन्वेक्स। इन आउटलाइन ऑफ थ्री कर्व टाइप इज स्क्वायर, जो आपके मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर है उसमें आपको मैंने बताया कि टू टाइप्स होती हैं वाई कर्व के, थ्री कर्व टाइप एंड टू कर्व टाइप। थ्री कर्व टाइप में क्या होगा वाई पैटर्न होता है और टू कस्प में क्या होता है यू और एच होता है, ठीक है। वाई पैटर्न का क्या शेप होगी दिस इज अ स्क्वायर शेप होगी, ठीक है, और जो आपके आउटलाइन ऑफ टू कस्प टाइप क्या होगी राउंडेड होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द रूट, रूट इज नॉर्मली सिंगल एंड टेपर्स इनवर्डली टू द अपेक्स व्हिच इज रिलेटिवली शार्प। It often has slightly distal inclination in the apical third. The root is slightly wider and longer than that of the first premolar. The general shape of the root from all aspects as well as in mid-root cross-section is similar to that of the first premolar. Variations and anomalies in tree cusp type pronounce the competitive size of the mesolingual and distolingual cusp is quite variable. The distolingual cusp ranges from a very disable bumps to approximately the same size as the mesolingual cusp. Anomalies are rare, although a root bifurcation into buccal and lingual branches is sometimes seen. Mandibular second premolars are on occasion congenitally missing. This phenomena may occur either unilaterally or bilaterally. Supernumerary teeth are sometimes observed in the mandibular premolar area. ठीक है, मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर्स में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स टोटल जो हमने पढ़ा है उसमें उसका कंक्लूजन्स या आप उसका समरी कह सकते हैं, ठीक है, वाई पैटर्न है, ठीक है, थ्री कस्प टाइप्स, जो थ्री कस्प टाइप होंगे वो क्या होंगे स्क्वेयर शेप, ठीक है, जो टू कस्प टाइप होंगे वो क्या होगा राउंडेड शेप। द
टू टाइप्स के क्राउन होंगे, ठीक है, ट्रिकस टाइप एंड डुकस टाइप। ट्रिकस टाइप क्या होगा, स्क्वेयर शेप होगा, और जो डुकस टाइप होंगे वो क्या है, राउंडेड शेप होगा, ठीक है। अब क्या है, ड्वेलपमेंटल फ्रॉम लोब्स। अब लोब्स जो थ्री कस टाइप है उसमें क्या होंगे, थ्री बकल लोब्स होंगे और टू लीवर। और जो टू कस टाइप होंगे उसमें क्या होगा, फोर लोब्स होंगे, थ्री बकल होंगे, वन लिंगुअल होगा, ठीक है। थ्री बकल होंगे और वन लिंगुअल आपका लिंगुअल कस्ट होगा, और थ्री बकल, ठीक है, उसमें क्या होगा, मीजियल मीडल बकल लोब एंड डिस्टल बकल लोब। थ्री टाइप्स में क्या हुआ, थ्री बकल लोब्स हो गए, टू लिंगुअल्स हो गए, फाइव लोब्स, ठीक है, मीजियल बकल डिस्टल। लिंगुअल में क्या होगा, मीजियल लिंगुअल कस्ट और डिस्टल लिंगुअल कस्ट होगा, ठीक है। कस्ट कितने हो गए आपके, थ्री कस्ट हो गए, बकल कस्ट एंड मीजियल लिंगुअल। लिंगुअल कस्ट में क्या होगा, डिवाइडेड इंटू टू कस्ट, मीजियल लिंगुअल कस्ट एंड डिस्टल लिंगुअल कस्ट। मीजियल लिंगुअल कस्ट क्या होगी, लार्जर होगा, और डिस्टल लिंगुअल कस्ट क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। और बकल कस्ट पर अब क्या है, बकल कस्ट, बकल कस्ट पर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, नंबर वन इज द मीजो बकल कस्ट, ठीक है, शॉर्टर है, डिस्टो बकल कस्ट लार्जर, लॉन्गर, बकल ट्राइंगुलर रिच एंड बकल रिच, ठीक है। फोर स्टैग बकल कस्ट ब्रिज इज प्रेजेंट होगी, मीजियो बकल कस्ट ब्रिज एंड डिस्टो बकल रिच एंड बकल ट्राइंगुलर रिच एंड बकल रिच, ठीक है। अब लिंगुअल कस्ट पर क्या है, आपके मीजियो लिंगुअल कस्ट एंड डिस्टो लिंगुअल कस्ट, टू कस्ट प्रेजेंट, ठीक है। मीजियो लिंगुअल कस्ट पर क्या प्रेजेंट होंगे, मीजियल रिच, डिस्टल कस्ट ब्रिज एंड ट्राइंगुलर रिच, सेम मीजियल डिस्टल एंड ट्राइंगुलर कस्ट ब्रिज। अब जो टू कस्ट हैं उसमें क्या है, आपके फोर कस्ट बकल लोब्स प्रेजेंट है, और बकल कस्ट पर कौन कौन सी रिचेस प्रेजेंट होगी, मीजियो बकल रिच प्रेजेंट होगी, डिस्टो बकल कस्ट ब्रिजेस प्रेजेंट होंगे, ट्राइंगुलर रिचेस प्रेजेंट होंगे, बकल रिच प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लिंगुअल कस्ट पर भी आपका क्या होगा, मीजियो लिंगुअल, डिस्टो लिंगुअल, ट्राइंगुलर एंड लिंगुअल रिच प्रेजेंट। मार्जिनल रिजेस, मीजियल एंड डिस्टल मार्जिनल रिजेस प्रेजेंट इन टू टाइप्स में भी के मीजियल एंड डिस्टल रिजेस प्रेजेंट होंगे। फोसास क्या होंगे, टू फोसास प्रेजेंट होंगे, मीजियल ट्राइंगुलर फोसा, डिस्टल ट्राइंगुलर फोसा, ठीक है। आपके जो थ्री पैटर्न ग्रूव पैटर्न में भी और टू पैटर्न में भी क्या होगा, मीजियल ऑक्लूजल फोसा एंड डिस्टल ऑक्लूजल फोसा, ठीक है। ग्रूव पैटर्न क्या होंगे, थ्री टाइप्स के होंगे, वाई पैटर्न एंड यू आर एच पैटर्न। वाई पैटर्न में कौन कौन से डेवलपमेंटल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, मीजियल डेवलपमेंटल ग्रुप, डिस्टल डेवलपमेंटल ग्रुप, लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रुप, थ्री ग्रुप्स कन्वर्ज एट द सेंट्रल पेट टू फॉर्म वाई पैटर्न, ठीक है। यू में क्या होगा, सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रुप, और क्या होगी, क्रिसेंट शेप होगी। और जो आपका एच पैटर्न होता है उसमें क्या होता है, सेंट्रल ग्रूव डेवलपमेंटल ग्रूव स्लाइटली कनेक्टिंग द मीजियल एंड डिस्टल फोसा, ठीक है। इसमें क्या होती है, टू टाइप्स पिट्स प्रेजेंट होती हैं, मीजियल पिट एंड डिस्टल पिट, क्या है, यू पैटर्न एच पैटर्न में। और वाई पैटर्न में क्या होता है, थ्री पैट जो है प्रेजेंट होंगी, मीजियल पिट, सेंट्रल पिट एंड डिस्टल पिट। जो वाई पैटर्न है उसमें क्या है, टू फोसास प्रेजेंट होंगे, मीजियल एंड डिस्टल ट्रायंगुलर फोसास, और उसमें पिट्स क्या प्रेजेंट होंगे, मीजियल पिट, सेंट्रल पिट एंड डिस्टल पिट। जो आपके यू और एच पैटर्न है उसमें क्या है, मीजियल पिट एंड डिस्टल पिट। एनी क्वेश्चन इन वाई एंड यू एच पैटर्न, एनी क्वेश्चन? हीरा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, ओके।
फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स हम कर लें, फिर मैं आपको डायग्राम पे बताती हूँ। ओके, आइडेंटिफिकेशन फीचर्स ऑफ मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर के आइडेंटिफिकेशन फीचर्स क्या है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सेकेंड प्रीमोलर है? ठीक है, लिंगुअल लोब्स आर वेल डेवलप्ड इनटू वन और टू लिंगुअल कस्प। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड क्या है, इट इज द ओनली प्रीमोलर विथ थ्री कस्प। द लिंगुअल कस्प आर ऑलमोस्ट एट द सेम हाइट एज दैट ऑफ द बकल कस्प। लिंगुअल इंक्लिनेशन ऑफ क्राउन ऑन रूट बेस। The three cusp type Y-shaped groove pattern on occlusal surface. On two cusp type U or H-shaped groove pattern C. Crown and root have very slightly lingual convergence. Mesolingual developmental groove not present. Single root with less tendency for bifurcation. Y शेप में क्या होगा आपके, दिस वन, ये Y शेप है। ठीक है, इसमें क्या है, दिस वन, ये आपको जो नजर आ रहा है इस तरीके से, जो आपका जो सेंट्रल ग्रूव है वो क्या है, Y शेप बन रहा है। ठीक है, दिस इज द सेंट्रल पिट, दिस इज द मीजियल पिट, दिस इज द डिस्टल पिट। ठीक है, इसमें थ्री पिट्स प्रेजेंट है, मीजियल ट्राइंगुलर फोसा, मीजियल ट्राइंगुलर फोसा एंड डिस्टल ट्राइंगुलर फोसा। मीजियल पिट होगी, सेंट्रल पिट होगी एंड डिस्टल पिट होगी। ठीक है, आपके टू कस्प प्रेजेंट होंगे, थ्री कस्प प्रेजेंट होंगे, बकल कस्प, मीजियल लिंगुअल एंड डिस्टल कस्प। जो यू टाइप या एच टाइप होगा उसमें क्या होगा, आपकी टू कस्प प्रेजेंट होंगे, दिस इज द सेंट्रल ग्रूव, दिस इज द मीजियल पिट, दिस इज द डिस्टल पिट। ओके, Hira, any problem in Y and U and H pattern, groove pattern? नेक्स्ट क्या है, साइड आइडेंटिफिकेशन, आप उसको साइड से कैसे, किस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एपिकल थर्ड ऑफ द रूट में शो आर डिस्टल कर्वेचर इन थ्री कस्प टाइप, मेसोलिंगुअल कस्प इज लार्जर देन द डिस्टल। differences with the mandibular first and second premolar, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कौन सी क्लास, कौन सी ट्रेट कहेंगे, आर्च ट्रेट कहेंगे, क्लास ट्रेट कहेंगे, सेम स्ट्रक्चर्स जो होंगे, सेम टूथ होंगे, उसमें आप उसको कौन सी ट्रेट मार्क करोगे? आपको मैंने टाइप्स बताई नहीं है, नुमान टाइप ट्रेड्स। ओके, मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर एंड सेकंड प्रीमोलर। ठीक है, बकल कस्प एंड बकल कस्प रिज इज मोर प्रोमिनेंट एंड लॉन्ग। ठीक है, जो मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर है इसमें क्या होंगे, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे और लॉन्ग एंड लॉन्गर। ठीक है, जो मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर है उसमें क्या है, लेस प्रोमिनेंट एंड शॉर्टर बकल कस्प। लिंगुअल कस्प मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर वन नॉन फंक्शनल वेरी स्मॉल और यूजली टू एंड फंक्शनल एंड लॉन्गर। इसमें क्या होगा, लॉन्गर होंगे और मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में क्या होगा, स्मॉल होंगे।
lingual convergence present, mesolingual appears to be pushed in, and little appear taper, ठीक है, lingual groove, mesolingual groove present in a mandibular second premolar lingual grooves between the two lingual groups. Marginal ridges, mesial marginal ridge lower and parallel to the buccal triangular ridge. In mandibular second premolar, distal marginal ridges lower and mesial and distal ridges are more horizontal. Lingual crown tilt, square lingual crown tilt in the mandibular second premolar less. Crown outline diamond shape in mandibular second premolar, three types का होगा तो square होगा और two type होगा तो rounded होगा. Central groove and transverse ridges, definite transverse ridge and central groove unlikely. Three cusp type has no transverse ridge and Y groove pattern. No arch ridge. Okay. Most important question. What are the difference between the maxillary premolars and mandibular premolars? Yeah, what are the arch trait maxillary premolar and mandibular premolar? Number one, the characteristics maxillary premolars and mandibular premolars. Number one is the tooth nomenclature. ठीक है, यूनिवर्सल सिस्टम में क्या होगा, राइट एंड लेफ्ट 4, 5, 12, 30 इन मैंडिबुलर राइट 28, 29 लेफ्ट 20 and 21. ज़िगमंडे पाल्मर सिस्टम राइट 4, 5 लेफ्ट 4, 5 इन मैंडिबुलर राइट 4, 5 एंड 4, 5. ठीक है, इन एबडोमेन सिस्टम 1, 4, 1, 5 left 2, 4, 2, 5 in mandibular 4, 4, 4, 5 in left 3, 4, 3, 4 and 3, 5. General features में क्या होगा, eruption sequence usually erupt before maxillary permanent canine and mandibular premolars erupt after mandibular permanent canine. Lobes four lobes and mandibular four lobes for first permanent premolar and 5 lobes for second permanent premolars. Number of cusp 2 in mandibular 2 first premolar and 3 common for second premolar are 2 cusps. Number of roots are 2 first premolar, 1 second premolar and usually 1. Size of cusp, buccal and lingual cusps are almost equal in size and height, buccal and lingual cusps nearly equal well developed and of equal prominence. In mandibular second premolar, lingual cusp much shorter, especially in mandibular first premolar, which is non-functional buccal and lingual cusp of uneven development and prominence. First and second premolars are widely different in form. Or maxillary mein kya hoga? First and second premolars are similar in form. Buccal aspect, buccal cusp tip, mesial and distal cusp ridges at the cusp tip meet at a sharp angle. In mandibular, cusp ridges meet at more obtuse angle. Buccal ridge more prominent on maxillary premolar, especially on first premolar. In mandibular, less prominent are on mandibular premolars. Buccal cusp slope ridges is first premolar, mesial cusp slope is longer, second premolar. Distal cusp slope is longer. In mandibular, distal cusp slope is longer in both premolars. Lingual aspect, lingual convergence, maxillary premolar show marked lingual convergence, especially the first premolar. In mandibular, lingual convergence not present, especially in second premolar. जब आपको से मैंडिबुलर प्रीमोलर और मैक्सिलरी प्रीमोलर का जब डिफरेंसेस पूछा जाएगा तो आपने ऑल एस्पेक्ट्स डिफाइन करने हैं, ठीक है, आपने बकल भी करना है, आपने लिंगुअल कस्प भी करना है, मीजियल डिस्टल एंड ऑक्लूजल, 5 सरफेसेस आपने डिफाइन करनी है. इन मीजियल एंड डिस्टल एस्पेक्ट्स, ठीक है, ज्योमेट्रिक शेप क्या होगी, मैक्सिलरी में ट्रेपिजॉइडल होगी और मैंडिबुलर में क्या होगी, रोमाइडल शेप होगी. Crown inclination
क्रॉनशोस मार्क ब्लिंगन इंक्लिनेशन ऑन रूट बेस, ठीक है। कस्प हाइट क्या होगी, बकल एंड लिंगुअल कस्प नियरली इक्वल हाइट, लिंगुअल कस्प मच शॉर्टर एंड स्मॉल इन फर्स्ट प्रीमोलर, इट इज नॉट फंक्शनल कस्प। कस्प टिप स्पेसिंग, बकल एंड लिंगुअल कस्प टिप्स वाइड अपार्ट, बकल एंड लिंगुअल कस्प आर मोर नियर। बकल कस्प टिप लोकेशन, बकल कस्प इज सेंटर्ड ओवर रूट बेस बिकॉज लिंगुअल टिल्ट ऑफ क्रॉन्स, द बकल कस्प टिप इज इन द लाइन विद द वर्टिकल रूट एक्सिस। लिंगुअल कस्प टिप लोकेटेड लिंगुअल टू द रूट एक्सिस लाइन ऑन आर लिंगुअल टू द लिंगुअल कंफाइंस ऑफ फूड। क्राउन आउटलाइंस बकल एंड लिंगुअल क्राउन आउटलाइंस वेल विद इन कन्फाइंस ऑफ रूट बेस। इन मैंडिबुलर लिंगुअल क्राउन आउटलाइन आउट ऑफ द कन्फाइंस ऑफ रूट बेस। Occlusal spec, crown dimension much wider buccolingually than mesodiscal in maxillary first premolars. In mandibular premolars, buccolingual and mesolingual dimensions nearly same. Geometric form ovoid or oblong and round and squarish. Tapes tapers to lingual marked in first premolar, marked in first premolars. Cusps relatively wider buccolingually in premolars, in mandibular wider mesodisc. Now mandibular second premolar complete premolars. Any questions? Any question in premolars? आपको हर एस्पेक्ट में जैसे आपसे मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर के डिफरेंसेस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसमें आप न्यूमेरिक्लेचर नंबरिंग सिस्टम का आप रेफरेंस लिखोगे, ठीक है। क्रोनोलॉजी आपको आनी चाहिए कि मैक्सिलरी और मैंडिबुलर टीथ कब इरेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसका लोब्स क्राउन शेप क्या है, लोब्स कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर बकल एस्पेक्ट पर आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर में हर एस्पेक्ट में आप 3, 3, 4, 4, 5 आप उसको आप लिखोगे इन डिफरेंसेस में, ठीक है। आपने बकल एस्पेक्ट लिखा है, फिर आपने लिंगुअल एस्पेक्ट लिखना है। इस तरीके से अगर आप प्रॉपर हेडिंग देकर आप उसमें मार्क करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बकल एस्पेक्ट में आप लिखोगे बकल एस्पेक्ट, फिर आप लिंगुअल एस्पेक्ट, फिर मीजल एंड डिस्टल आप उसको कंबाइन आप लिख सकते हो, और अक्लूजल स्पेक्ट, ठीक है। अक्लूजल स्पेक्ट पे उसकी आपकी टूथ की शेप क्या है, मैक्सिलरी में क्या शेप होती है, मैंडिबुलर में क्या शेप होती है, ठीक है। कस्प का क्या डिफरेंसेस है, इस तरीके से आप इसको डिफाइन करोगे, ओके। नुमान, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? नुमान, आपसे मैं पूछ रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि किस तरीके से आपने इसमें डिफरेंसेस लिखने हैं? ओके, जो आपके जो टेस्ट हुए हैं उसमें जो मुझे फीडबैक मिला था कि नंबरिंग सिस्टम में आपको प्रॉब्लम हो रही है,
जस्ट मैं आपको दोबारा से ये आपको नंबरिंग सिस्टम करवा रही हूँ, क्योंकि इसमें से हमेशा क्वेश्चन आपका एक आता है, मस्ट है इसमें से क्वेश्चन आना, ठीक है? तो नाउ इसको रिवाइज करें, अदरवाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे डिस्कस करें, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, टीथ आर अरेंज इन द जॉज फॉर्मिंग टू डेंटल आर्चेस, ठीक है? मैक्सिलरी आर्च होती है, मैंडिबुलर आर्च होती है, जिसको हम अपर आर्च कहेंगे और लोअर आर्च कहेंगे, ठीक है? टू आर्चेस टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डेंटिशन, दिस इज द अपर आर्च, दिस इज द लोअर आर्च। ईच आर्च डिवाइड बाई इमेजिनरी मिड लाइन, ठीक है? दिस इज द मिड लाइन, एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होती है जिसे आप आर्च को डिवाइड करते हैं। अ राइट एंड लेफ्ट हाफ क्वाड्रेंट्स, ठीक है? मिड लाइन क्या है? आपकी आर्च को डिवाइड करती है राइट एंड लेफ्ट में, टू इक्वल पार्ट्स में, ठीक है? मैक्सिलरी राइट लेफ्ट क्वाड्रेंट, इन मैंडिबुलर राइट एंड लेफ्ट क्वाड्रेंट। नोमेनक्लेचर एंड द डेंटल फॉर्मूला डिनोमिनेशंस एंड द नंबर ऑफ ऑल एमिलियन टीथ एक्सप्रेस बाय फॉर्मूला कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला। ईच टूथ रिप्रेजेंटेड बाई इनिशियल लेटर ऑफ नेम, इंसाइजर्स को हम क्या है? कैपिटल आई से करते हैं, केनाइन सी, प्रीमोलस पी एंड मोलस एम। ईच लेटर फॉलोड बाई अ हॉरिजेंटल लाइन एंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ टूथ प्लेस्ड, ठीक है? दिस इज अ हॉरिजेंटल लाइन, अबव द लाइन फॉर मिक्सेला और अपर्चर, बिलो द हॉरिजेंटल लाइन क्या है? मैंडिबुलर लोअर जॉ। द फॉर्मूला इंक्लूड वन साइड ओनली, वन साइड विद द नंबर ऑफ टीथ इन ईच जॉ बीइंग द सेम फॉर ह्यूमंस, ठीक है? जब आप डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं तो आप इस तरीके से अपर एंड लोअर जॉ को आपके एक क्वाड्रेंट के जो है अपर एंड लोअर को आप लिखते हो। लर्निंग टू मैनेज इज द फर्स्ट स्टेप इन द अंडरस्टैंडिंग द डेंटल एनाटॉमी, टू नंबरिंग अ शॉर्ट हैंड सिस्टम ऑफ टूथ नोटेशन इज नेसेसरी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर रिकॉर्डिंग डेटा एंड कम्युनिकेशन, ठीक है? जो मेन आपके वेरियस टूथ नोटेशन सिस्टम्स हैं वो कौन से हैं? पाल्मर नोटेशन सिस्टम है, यूनिवर्सल नोटेशन सिस्टम है, और क्या है? FDI सिस्टम है। यूनिवर्सल नोटेशन सिस्टम में क्या आता है? नोटेशन सिस्टम में प्राइमरी डेंटेशन यूज़ लेटर्स फॉर ईच ऑफ द प्राइमरी टीथ, फॉर द मैक्सिलरी टीथ बिगनिंग विद द राइट सेकेंड मोलर लेटर्स ए, ठीक है? ए थ्रू जे, एंड फॉर द मैंडिबुलर टीथ फॉर के बिगनिंग विद द लेफ्ट मैंडिबुलर सेकेंड मोलर। The American Dental Association in 1968 officially recommended the universal numbering system for the permanent teeth 1 to 32. ठीक है, ये क्या है? यूनिवर्सल में क्या है? आप क्लॉक वाइज जो है आप यूज करते हैं 1 to 32 इन जो है आपके डिसीडियस या प्राइमरी है उसमें क्या है? आप राइट ए से मैंडिबुलर राइट टी, ठीक है? परमानेंट में क्या होगा? फर्स्ट मोलर से स्टार्ट होंगे, ठीक है? मिक्सिलरी में 16 तक जाओगे और 17 से स्टार्ट हो गए आप थर्ड मोलर से, और 32 आपके मैंडिबुलर राइट 32, ठीक है? दिस इज अ क्लॉक वाइज जो होगा, दिस इज अ यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम। इन प्राइमरी डेंटेशन उसमें क्या होगा? आपके सेकेंड मोलर से स्टार्ट होगा ए, और क्या है? टी, ए टू टी। अल्फाबेटिकली हम यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम में यूज करेंगे ए टू टी। जिगमोंड पाल्मर नोटेशन सिस्टम में क्या होता है? सिंबॉलिक सिस्टम होता है। इन दिस सिस्टम द आर्चेस आर डिवाइडेड इनटू क्वाड्रेंट्स, ठीक है? क्या है? अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट एंड लोअर।
लोअर राइट एंड लोअर लेफ्ट, ठीक है। अपर राइट का क्या क्वाड्रेंट साइन होगा? दिस वन। अपर लेफ्ट का क्या होगा? दिस वन। लोअर का लेफ्ट राइट क्या होगा? दिस वन। एंड लोअर लेफ्ट दिस वन, ठीक है। और पाल्मर न्यूट्रिशन फॉर द इंटायर डिसीडियस टिंटेशन इज फॉलोज, ठीक है, ए टू ई राइट। सेम इसी तरीके से लेफ्ट में ए टू ई, मैंडिबुलर में क्या है? ए टू ई। एंड लोअर राइट में क्या होगा? ए टू ई। फॉर द परमानेंट इंडिशन इज फॉर क्वाड्रेंट सिंबॉलिक सिस्टम बिगनिंग विद अ सेंटर इंसाइजर, द टीथ आर नंबर 1 to 8 इन ईच क्वाड्रेंट, ठीक है। अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट एंड लोअर राइट, ठीक है। इसमें क्या होगा? 1 to 8 राइट और लेफ्ट, 1 to 8। मैंडिबुलर में क्या होगा? 1 to 8 इन मैंडिबुलर राइट में क्या होगा? 1 to 8, ठीक है। दिस वन अपर में राइट है तो 1 to 8, अपर लेफ्ट है 1 to 8, लोअर लेफ्ट राइट में क्या होगा? दिस वन 1 to 8, वन सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है, लोअर लेफ्ट। और क्या होगा आपके डिसीडियस में? ए टू ई। लेफ्ट में क्या होगा अपर में? ए टू ई। इसी तरीके से आपके जो लोअर है मैंडिबुलर, उसमें ए टू ई होगा और राइट में भी ए टू ई होगा। फेडरेशन डेंटेरी इंटरनेशनल टू टीच सिस्टम प्रपोज बाय द FDI has been adopted by the WHO and by other organizations such as International Association for Dental Research. इसमें क्या होता है? First digit indicates the quadrant 5 to 8 for primary dentition. ठीक है, आपकी जो deciduous dentition होती है उसमें जो upper right quadrant होगा उसको हम 5 quadrant number देंगे, जो लोअर जो लेफ्ट होगा उसको हम 6 देंगे, लोअर लेफ्ट को हम 7 देंगे, और 8 में क्या होगा आपका लोअर राइट होगा, ठीक है। सेंट्रल इंसाइजर्स क्या हो गया? 5-1, लेटरल आपका 5-2, 5-3 केनाइन, 5-4 आपका क्या होगा फर्स्ट मोलर, एंड 5-5 इज द सेकंड मोलर, ठीक है। 5 क्वाड्रेंट नंबर है और 5 आपका टूथ नंबर है, ठीक है। 5 क्वाड्रेंट नंबर है और टूथ नंबर 5 होगा, तो 5-5 होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो परमानेंट डेंटेशन होगी उसमें क्या क्वाड्रेंट नंबर होता है? अपर राइट 1 होता है और लेफ्ट क्या होगा? 2 होगा, लोअर लेफ्ट 3 होगा और लोअर राइट 4 होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि 4-1 तो आपका क्या होगा? फर्स्ट प्रीमोलर। 1-5 आपका सेकंड प्रीमोलर होगा। 1-6 क्या होगा? उसमें 1 आपका क्वाड्रेंट नंबर है और 6 क्या है? ट्रुथ नंबर, ठीक है। यस, एनी क्वेश्चन इन नंबरिंग सिस्टम? बहुत से स्टूडेंट जा चुके हैं। ये क्वेश्चन आपसे बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। अदरवाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम है नंबरिंग सिस्टम में तो डिस्कस कर सकते हैं, नॉट वेस्ट टाइम। आयशा, आपने मुझसे पूछा था, आप मुझे बताएं कोई प्रॉब्लम है आपको नंबरिंग सिस्टम में? ओके, यूनिवर्सल नंबर नंबरिंग सिस्टम में आपका राइट सेकंड मोलर आप कैसे लिखेंगे यूनिवर्सल नंबर? यूनिवर्सल नंबर राइट डिसीडियस मोलर सेकंड मोलर डिसीडियस डेंटेशन में आप यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम में आप किस तरीके से लिखोगे कि सेकंड मोलर राइट सेकंड मोलर मैंडिबुलर राइट सेकंड मोलर? मैंडिबुलर में आपसे पूछ रही हूँ, नॉट मैक्सिलरी, मैंडिबुलर।
मैंडिबुलर राइट सेकंड मोलर। टी कैपिटल टी, ठीक है, और उसके साथ आप साइन लगाओगे नंबर, नंबर का साइन और टी, ठीक है। नुमान आप मुझे कैसे बता रहे हो कि एस होगा? ठीक है, आपके टी होगा, सेकंड आपसे पूछ रहा है मैंडिबुलर, ठीक है। इसमें एस क्या होगा? आपका फर्स्ट मोलर होगा। मैंडिबुलर में आपका क्या है, के से स्टार्ट होता है और टी पर फिनिश होता है, और ए से जे तक जो है आपके मिक्सिलरी टूथ जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, एफटीए सिस्टम में आपका सेकंड मोलर, डिसीडियस सेकंड मोलर क्या होगा, राइट सेकंड मोलर? राइट सेकेंड मोलर इन एफ डी आई सिस्टम में क्या होगा? एट फोर होगा मैंडिबुलर आपका फर्स्ट होगा, और 8.5 जो होगा वो आपका होगा। ओके, एनी क्वेश्चन इन टूथ मॉर्फोलॉजी जो अभी तक आपने पढ़ी है? और पाल्मर रोटेशन क्या हो गए? ओके, साइन आपको क्वाड्रेंट साइन जो है वो नहीं आता, आप उसमें उसमें ऑप्शन आती है सिंबल्स की, ठीक है। उसमें आप एक अपर जो है स्ट्रेट लाइन खींचोगे और एक वर्टिकल लाइन खींचोगे, तो उसमें वर्टिकल लाइन होगा। अब अपर राइट, ठीक है, जब उसमें आप साइंस को तो उसमें आपको शेप्स आती हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस आती हैं, वर्टिकल लाइंस बनी होती हैं, और उसको आप कट पेस्ट करते हो। उसमें जो आप एक स्ट्रेट लाइन को, दिस वन, ये आप इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन लोगे और इसी तरह एक हॉरिजेंटल लाइन लोगे, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन, तो ये क्या बन जाएगा, आपका राइट पोर्ट्रेट बन जाएगा, ठीक है। लेफ्ट में भी सेम आप उसी तरह एक वर्टिकल लाइन लेते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हो, और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो बनेगा ये आपका लेफ्ट का होगा। ओके, इसी तरीके से आप इसमें अपर में क्या हो गया, आप जो है लेफ्ट लेते हो और हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हो। इसमें क्या है, लोअर में क्या है, पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन लोगे और फिर वर्टिकल लाइन। ओके जी आयशा, ओके, एनी क्वेश्चन? यस, मैंडिबुलर में जो है आप क्या है, हॉरिजेंटल लाइन लोगे और फिर वर्टिकल लाइन,
ठीक है, इसमें देखें ये मैक्सिलरी है, ठीक है, मैक्सिलरी राइट और मैक्सिलरी लेफ्ट है, ठीक है। इसमें क्या, आप पहले हॉरिजेंटल लाइन इस तरीके से स्ट्रेट लाइन लोगे और फिर से वर्टिकल लाइन लोगे, दिस इज अ लोअर मैंडिबुलर के लिए, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये क्या है आपका लोअर लेफ्ट है और ये क्या है मैंडिबुलर लोअर राइट। ओके मरियम, ओके, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताती हूँ, ठीक है, बताऊंगी, अभी टाइम ओवर हो गया। ओके, नाउ टू हमारो स्टार्ट दी मोलर्स, ओके, आप थोड़ा सा इसको रीड करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे इसमें, जब आप लेक्चर फिनिश होगा तो आपको इजली समझ आ जाएगा कि इसमें ये बुक में हमने ये पढ़ा है और ये चीज़ पढ़ाई गई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह टुमारो डिस्कस द मोलर्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।